डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने के कुछ नए तरीके। सबसे पहले कि अगर हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के पैकेज बनाना है, यानी कंप्लीट पैकेज, इमेजेस, टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यूज़ की है उसको यूज़ करते हुए, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो टॉप सबसे बॉटम लाइन है जहाँ पर मेरे पास प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन यूज हो रहे हैं, यहीं पर मेरे पास ऑप्शन यूज हो रहे हैं जहाँ पर मेरे पास लिखा रहा है 52 एरर्स। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक प्री फ्लाइट मेन्यू खुल रहा है। मैं प्री फ्लाइट पैनल खोला जिसकी शॉर्टकट के बाद कंट्रोल और शिफ्ट एफ। जब मैंने इसको खोला तो मेरे पास एक प्री फ्लाइट ऑप्शन खुला है जो मुझे बता रहा है कि मेरे पास क्या 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 चीज़ मैंने यूज़ किया, क्या क्या चीज़ जो है मुझे लिंक कर रही है, ये सारी चीज़ें मुझे लिंक कर रही हैं जो ये बता रही हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के उस रिस्पेक्टिव पेज के ऊपर पहुंच गई हूँ। लेट्स अब मैं अपने पैकेज को फाइल मेन्यू में गई, वहाँ से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और पी से अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास पैकेज मेन्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पैकेज मेन्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद मेरे पास अब एक पूरी समरी आ रही है कि मैंने कौन कौन से फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से फॉन्ट्स मिसिंग है, क्या चीज़ एम्बेड की है, क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, क्या चीज़ प्रोटेक्टेड है। मैं पैकेज के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास जो है कि पब्लिकेशन मस्ट बी सेव, मैंने अपने इसको सेव किया पहले, ऑब्वियसली पब्लिश करने से पहले सेव करना है। जब मैंने उसको सेव किया तो मेरे पास फर्दर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें है जिस जो मैंने पूछेगा कि जब मैंने अपना पीडीएफ या अपना डॉक्यूमेंट किसी और को देना है तो मैं क्या चीज़ चाह रही हूँ कि मेरी कौन कौन सी इन्फो उसके साथ उसमें आगे उसके साथ जाइए, मेरे प्रिंटर को पता लगे। तो यहाँ पे आपने अपनी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फो या वो सारी चीज़ जो आप लोग इम्बेड करवाना चाह रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट के इन्फो के लिहाज से, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको खाली छोड़ा। फोल्डर नेम कैटलॉग मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही लेकर चलती हूँ एंड पैकेज। पैकेज के बटन पर क्लिक किया, ओके तो मेरा पैकेज जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, मेरा पैकेज एक्सपोर्ट हो रहा है। लेट्स सी ये कब तक एक्सपोर्ट होता है। पैकेज एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर मैं अपनी फाइल को एज ए PDF प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो सिंपल सी बात है, मैंने फाइल मेन्यू में जाके कंट्रोल प्लस पी दबा दूँ या प्रिंट का बटन क्लिक कर दूँ, मैं अपनी फाइल प्रिंट करवाना चाहती हूँ। पास फर्दर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होगी और कुछ ऑप्शन होगी जिनको सेट करना होगा कि मैंने उसको सेटअप कैसे रखना, उसकी ओरिएंटेशन कैसी हो, मार्क्स और ब्लीड आउटपुट, उसके ग्राफिक्स, कलर मैनेजमेंट उसकी कैसी हो, उसके एडवांस या उसकी समरी कैसी हो। अगेन इसको मैं प्रिंट कर दूँगी, ठीक है, तो मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग के पास एक लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग ने एज ए PDF अगर अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कराना है तो एज ए PDF एक्सपोर्ट कराने के दो तरीके हैं। या तो मैं एक्सपोर्ट में जाऊंगी, कंट्रोल प्लस ई, मेरे पास ऑप्शन खुल रहे हैं, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगा ऐसे नहीं, उसके लिए पहले मुझे कुछ सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में गई जाके मेरे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो मैंने एक्सपोर्ट, मेरे पास अब आ रहा है कि तीन तरह का है कि टेक्स्ट ओनली, एडिट टेक्स्ट फॉर्मेट, या फिर मेरे पास एडोब इनडिज़ाइन टेक्स्ट। एडोब इनडिज़ाइन टेक्स्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक फ्लॉ है कि इसको सिर्फ PDF ही रीड कर सकती है, PDF के अलावा इसको इनडिज़ाइन के अलावा इसको कोई रीड नहीं कर सकता। एडिट टेक्स्ट जो है ये भी है और टेक्स्ट ओनली भी है। एडिट टेक्स्ट जो है ये वर्ड और नोट पर हर तरह की फाइल जिसको हम इसको एडिट टेक्स्ट करते हैं, नाम इसका हम लोग लिखते हैं आर कैटलॉग और से। एक ये तरीके और एक ये तरीका है हमारे पास कि हम लोग इसकी जावा स्क्रिप्टिंग निकाल सकते हैं।
हम लोग इसकी स्क्रिप्ट्स निकालेंगे और उसके बाद इसको उसके बाद है कि एक तरीका मेरे पास ये कि सेम उसी तरह टेक्स्ट सेलेक्ट रखें, विंडोज मेन्यू ऑप्शन में जाके, विंडोज के ऑप्शन में जाके यहाँ पे मेरे पास आएगा स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में मेरे पास ऑप्शन आएगा स्क्रिप्ट्स का, कंट्रोल ऑल्ट F1 शॉर्टकट की है। जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ऑप्शन हो रहा है, मैं एप्लीकेशन की ट्राइंगल ओपन की, अगेन सैम्पल्स की ओपन की, अगेन जावा स्क्रिप्ट की ओपन की, यहाँ पे मैं ऑप्शन ढूंढूंगी एक्सपोर्ट ऑल स्टोरीज, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा है कि RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट ओनली एंड डिजाइन टेक्स्ट, मैं रिच टेक्स्ट ओनली करती हूँ। कहाँ पे वो सेव करने को कह रहा है, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फर्दर ओपन हुए एक्सपोर्ट का टेक्स्ट बॉक्स, फर्दर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हुआ है एक्सपोर्ट एडोब PDF का टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं वो से पूछ रही कि PDF की मुझे किस किस तरह की वो चाहिए, किस किस तरह की क्वालिटी चाहिए, तो हाई क्वालिटी PDF चाहिए, PDF जिस तरह का भी आपको PDF चाहिए आप उस तरह के PDF मेन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करवा लेंगे। तीन ऑप्शन से हमने PDF को एक्सपोर्ट करना सीखा, एक था प्रिंट करना, उसके बाद एक स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक फाइल ऑप्शन में जाके, और एक तीसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मुझे सिर्फ अगर टेक्स्ट करवाना है तो वो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्म ऑफ एडोब। कोर्स या इन सारे लेक्चर्स में जो हम लोगों ने जीके में हमने सीखा कि एडोब इन डिज़ाइन, जिससे हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स या PDF फॉर्म डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, डिफरेंट शेप्स कैसे ऐड करनी है, शेप्स की ओरिएंटेशन, ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर जब हम लोग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर मैगजीन, एक प्रॉपर ई बुक बना लेंगे इन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए, तो फिर उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स देखें किस किस फॉर्म में उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, और किस किस फॉर्म में आउटपुट जनरेट करके उसको हम इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली प्रिंट कर सकते हैं, उसको उसका टेक्स्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हमने इन लेक्चर्स में ये सब कुछ सीखा, होप्स हो कि आप लोगों को इन लेक्चर से सीखने को मिला होगा और आप लोग इतने फेमिलियराइज हो गए होंगे कि एडोब इनडिजाइन CC कैसे इस यूज़ करना है और इसको यूज़ करते हुए इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं। होप इस कोर्स से आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे सीखते रहें, सिखाते रहें, अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडोब इनडिजाइन एसेंशियल ट्रेनिंग विद जवेलिया तहसीन।